सिंध असेंबली में बजट का अग वाले बहस दौरान पीटीआई एमपीए राजा अजहर पारा पीपी चेयरमैन खिलाफ गलत बोली इस्तेमाल करण खिलाफ पीपल्स पार्टी पीटीआई मेंबरन में झेड़ो थी पियो। पीपल्स पार्टी पीटीआई मेंबरन पारा एक बेडा वधण की कोशिश दौरान ऐवान मच्छी मार्केट बणजी वियो। मेंबरन की मुहमारी दौरान पीपी एमपीए कलसूम चांडियो राजा अजहर के माइक उछलाए हई। उन दौरान पीपी एमपीए शर्जील मेमण पिण फिरदौस शमीम के दड़का दिंदो रहयो। सिलेक्टेड की आवाजें आ रही थी, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म, तो डिफेक्टेड लीडर के बारे में भी बता दें। वो डिफेक्टेड लीडर जो है वो कब तक जाली नाम यूज़ करते रहेंगे, वो कब तक उधार का नाम लेके अपना यूज़ करते रहेंगे। और सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बोलें तो उनको बुरा लगेगा ना, जर्मनी और जापान को मिला दें इनको बुरा लगेगा ना, मगर हम ऐसी बातें नहीं करते हैं। नहीं हुई है ऐसी, तो आप हम ऐसी बात ये एक्सपंज करें और ये अल्फाज वापस लें अपने। बिल्कुल, अगर अगर ऐसे ये माहौल चलाना चाहते हैं तो फिर हम भी एक ऐसा काम करेंगे, ये याद रखेंगे, कोई तकरीर नहीं होगी तब तक अगर ये ऐसी बात करेंगे तो। दिस इज नॉट द वे, एक माहौल अच्छा चल रहा है, ये माहौल को खराब करना चाह रहे हैं। बदमाशी होगी, जबान से बात करो, क्या बात करो, ये तरीका बात करो। सूबाई वजीर सरदार शाह ऐवान में गालाइंदे चयो तो मुखालिफ धुर अगवान फिरदौस शमीम नकवी फौरी तौर माफ़ी न वरती तो हू भी गालाइण जो हक रखन था। फिरदौस शमीम साहब, हम अभी भी कहते हैं कि आओ, आप अपोजिशन लीडर हो, एक अच्छी रिवायत की बुनियाद डालो, ये अल्फाज वापस लेने में और यहाँ पे अपोलोजाइज करने में कोई हर्ज नहीं है। हम अभी भी कहते हैं, वरना मेरा माइक खुला हुआ है, मैं फिर जो जबान इस्तेमाल करने यहाँ पे शुरू करूँगा, बात करूँगा, आपको अच्छी नहीं लगेगी। जैखा पोए मुखालिफ धुर अगवान फिरदौस शमीम नकवी पीपी चेयरमैन खिलाफ गालाए लफ्जन ते माफी वठी छड़ी के हम दरख्वास्त करेंगे खास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत से कि जो असूलों की बात वो यहाँ के लिए कर रहे हैं वही असूल वो दूसरे ऐवानों में भी इस्तेमाल करें। जब वो दूसरे ऐवानों में वही असूल चलाएंगे तो इस ऐवान में कभी कोई मसला नहीं होगा। जब क़यादत एक दूसरे पे कीचड़ उछालती है तब नीचे वाले लोग जो हैं वो भी मजबूरन ये काम करते हैं। मैं आपसे सिर्फ दरख्वास्त कर सकता हूँ, अपनी तरफ की लीडरशिप से यह अश्योरेंस दे सकता हूँ कि अगर दिलेदारी हुई है मैं माफी दरख्वास्त करूँ। ऐवान में हुलंगा में बाद खिताब कंदे पीपीएमपीए फारूक शाह वफाकी हुकूमत के सख्त तनकीद जो निशानो बनायो। हम पे इल्जाम तो बहुत लगाते हैं, सिंध के हकूक को खा के ये खुद बैठे हैं, सिंध के राइट्स खा के ये खुद बैठे हैं और चोर हमें बुलाते हैं। चोर कौन है, लुटेरा कौन है, वो सबको मालूम है। जो एनएसवी अवार्ड के हवाले से भी हमने काफ़ी दफ़ा यहाँ बोल चुके हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं ना मानूँ, हमें तो लूट लिया इन नए पाकिस्तान वालों ने, न्याजी के झूठे वादों ने और उनके शहजादों ने। उनका आगे बजट ते बहस दौरान एमएमए मेंबर सैयद अब्दुल रशीद ए पीपल्स पार्टी मेंबरन वफाकी सरकार ते सख्त तनकीद कई तो पीटीआई मुत्तहिदा मेंबरन वरी सिंध हुकूमत के तनकीद जो निशानो बनायो। कैमरामैन अली रजा जैदी सां गॾु शब्बीर लाशारी, सिंध टीवी न्यूज़, कराची।